Hey guys, good morning to everyone. आई होप मेरी वॉइस ऑडिबल है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है. गुड मॉर्निंग प्रदीप. तो चलिए फटाफट अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे. हम कवर करने वाले हैं 19th और 20th दिसंबर के करंट अफेयर्स. जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबको पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे. कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा. तो वेलकम टू एम्बिशियस बाबा, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने आज के सेशन को. हमारे आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 टू प्रमोट स्पोर्ट्स. यानी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 इनमें से किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश. तो देखिए, हम बात कर रहे हैं खेल नर्सरी की. अब खेल नर्सरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है राज्य में स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देना. और ये स्टेट ऑलरेडी अपने स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और हम बात कर रहे हैं हरियाणा की. तो खेल नर्सरी स्कीम 2023 को लॉन्च किया गया है बाई हरियाणा गवर्नमेंट. सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा. ठीक है, गुड मॉर्निंग आरोही. चलो, तो हरियाणा जो ऑलरेडी अपने स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, आपको यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाएंगे. तो हरियाणा के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं संदीप सिंह ना, उन्होंने खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 को लॉन्च किया है, जिसका पर्पस है राज्य में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना. तो इसके लिए क्या होगा, जो गवर्नमेंट प्राइवेट हर एक टाइप का इंस्टीट्यूट है ना, स्कूल्स है ना, वहाँ बेसिकली क्या किया जाएगा, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की बात की जाएगी. इसका पर्पस है राज्य से ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में और ज़्यादा प्लेयर को बढ़ावा देना. अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा के कैप्टन है चंडीगढ़, गवर्नर हैं बंडू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर. क्या मेरी इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्लियर है. अगर कोई डाउट है तो पूछिए. गुड मॉर्निंग प्रशांत. चलो बढ़िया, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई होगी. अगर क्लियर हो गई है तो चलिए फटाफट अगले न्यूज़ पर बढ़ते हैं. उससे पहले सेशन को सब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों को फटाफट बोलिए कि क्लास को ज्वाइन कर लें. सेंटर हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप 6 न्यूक्लियर रिएक्टर एट जैतपुर इन विच स्टेट. तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा 6 न्यूक्लियर रिएक्टर के सेटअप की बात की गई है जैतपुर में. आपको मुझे ये बताना है कि जैतपुर जो न्यूक्लियर पावर है वो कहाँ है. तो आप सबको पता है, हमने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, जैतपुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है. सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, महाराष्ट्र. गुड मॉर्निंग आदि. ठीक है, बढ़िया. सो हेयर करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटर यानी जो हमारे साइंस मिनिस्टर है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर के सेटअप की बात की गई है जैतपुर महाराष्ट्र में. ये जो पूरा इस रिएक्टर की पावर होगी, हर एक रिएक्टर की पावर होगी 1650 मेगावाट ईच. तो लगभग इसके साथ ही जो जैतपुर न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग साइट है वो इंडिया की सबसे बड़ी साइट बन जाएगी न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, विद द कैपेसिटी ऑफ 9900 मेगा. इस पूरे प्रोसेस में जो टेक्निकल कोऑपरेशन है यानी जो टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा फ्रेंच की फर्म इलेक्ट्रिसाइट डी फ्रांस से. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो गई. 6 न्यूक्लियर साइट जैतपुर महाराष्ट्र, हर एक की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी और कौन है टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन. हेलो नव्या, चलो ठीक है. ओके, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन इट्स नॉड फॉर प्रपोजल टू इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 to -. काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. तो भारत में अब महिलाओं की भी जो लीगल मैरिज एज है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 21 साल. ऑलरेडी मेन की जो लीगल मैरिज एज थी डैट इज 21, अब वुमेन की भी 21 कर दी गई है बाई.
सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो बेसिकली एक कैबिनेट कमिटी की मीटिंग बैठी जिसके हेड थे नरेंद्र मोदी. उन्होंने बोला कि मैन और वुमेन की जो एज डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, दोनों की एज लीगली तौर पर मैरिज की एक ही होनी चाहिए और इसको अब कर दिया गया 21. अब जब ये आया ना तो बहुत सारे एक्ट में अमेंडमेंट होगा, जैसे कि बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है. कौन कौन से अमेंडमेंट होने हैं? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में अमेंडमेंट होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अमेंडमेंट होगा, और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी आपको अमेंडमेंट देखने के लिए मिलेगा. ये सारा अमेंडमेंट कब हो रहा है? विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो कि दिसंबर 23 तक चलने वाला है. अरे दार्शनिक, हाउ आर यू? ठीक. तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई. अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं. अगली न्यूज़ है हमारी, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल नेम्ड विकास पोर्टल फॉर रैंकिंग ऑफ स्टेट यूटी इन लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट अंडर RFCTLAR एक्ट. इसका फुल फॉर्म क्या है ये मैं भी आपको, यानी कि अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MSIS पोर्टल, विकास पोर्टल को लॉन्च किया गया है. राज्यों के स्टेट और यूटी की उसमें रैंकिंग आएगी लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग. एंड करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है, यानी गिरिराज सिंह जो है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया, ठीक है. अच्छा, क्या नाम है पोर्टल का? पोर्टल का नाम है विकास पोर्टल. इसको डेवलप किया गया बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर डेट इज NIS टीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज MORD विद जीरो कॉस्ट. ठीक. तो ध्यान रखिएगा, ऑन द लाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स गति शक्ति मिशन, उसी के तहत, यानी गति शक्ति मिशन जो है ना उसी के तर्ज पर काम करते हुए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया. अच्छा, मैंने आपसे बोला कि मैं आपको एक फुल फॉर्म बताऊंगी. देखिए, RFCTLAR एक्ट की जिसकी हमने बात की उसका फुल फॉर्म है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. तो देखिए, इसका पर्पस ये है कि राज्यों में जो भी लैंड एक्विजिशन होते हैं, जो भी लैंड किसी को दिए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को क्लियर रखना, उसमें कोई गड़बड़ी ना होना, उसी के अंडर ऐसा किया. अच्छा, इसमें क्या होगा? जो भी, क्योंकि यहाँ बात हो रही है रैंकिंग की, तो जो भी तीन टॉप स्टेट होंगे और जो भी तीन टॉप डिस्ट्रिक्ट होंगी उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, जिससे कि और जो स्टेट हैं उनमें कंपटीशन आए और वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें. विकास, हाँ, बेसिकली जो उसमें आप बोल रहे प्रोपेलेंट है उसका नाम है, ठीक है. यस, आरओए. With which country India has recently signed an agreement to establish a partnership in a digital media and in the field of IT? यानी IT और डिजिटल मीडिया की फील्ड में अभी हाल ही में भारत ने इनमें से किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है? मुझे साथ ही साथ इस देश की कैपिटल और करेंसी भी बता दीजिएगा. ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज वियतनाम. वियतनाम के साथ हमने ये एग्रीमेंट किया है. वियतनाम की कैपिटल है हनोई और यहां करेंसी चलती है डोंग. ओके, चलो. अच्छा, साथ ही साथ अगर आपको याद हो, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं वो इसी साल चेंज हुए थे, तो एक बार उनका नाम याद रखिएगा. पूरा नाम तो मुझे भी नहीं याद है, मुझे इतना याद है जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम के एंड में है फुक, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम का जो है वो है फैम मिन चिन. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम याद है, प्रेसिडेंट का मुझे नहीं याद है. प्रेसिडेंट के नाम में आखिरी में फुक है, नुगियान फुक कुछ ऐसे ही नाम है, एक बार उसे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना. चलो,
तो इंडिया और वियतनाम के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है रिगार्डिंग डिजिटल मीडिया एंड फील्ड ऑफ आईटी। इस एग्रीमेंट से क्या होगा, इस एग्रीमेंट से इंडिया और वियतनाम दोनों के बीच ही डिजिटल मीडिया और आईटी को और ज़्यादा अच्छा करने का क्या होगा, काम किया जाएगा और एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा इंडिया और वियतनाम के बीच में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रैंक 8th ऑन द यूगोस एनुअल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप 20 मोस्ट एडमायर्ड मैन, यानी दुनिया के 20 सबसे ज्यादा एडमायर्ड पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर इनमें से कौन है? चलो, और 8वें स्थान पर देखिए यहाँ, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ 8th, अब 8th जो होगा वो सबसे टॉप होगा इंडिया से, एंड ये कौन है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र। सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज नरेंद्र मोदी। तो इस लिस्ट में जो सबसे टॉप पर है वो है नरेंद्र मोदी। मैं एक बार आपको लिस्ट दिखा रही हूँ, दोनों ध्यान से देखिए। मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ वर्ल्ड्स 10 मोस्ट एडमायर्ड मैन। तो मैन की कैटेगरी में सबसे ऊपर है बराक ओबामा, देन बिल गेट्स, थर्ड इज जी जिनपिंग, फोर्थ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिफ्थ जैकी चैन, सिक्स एलन मस्क, सेवन लियोनल मेसी, एट्थ इज नरेंद्र मोदी जो इंडिया से टॉप। 9th इज व्लादिमीर पुतिन, 10th इज जैकमा, 12th पर है सचिन तेंदुलकर, 14th पर है शाहरुख खान, 15th पर है अमिताभ बच्चन और 18th पर है विराट कोहली। तो 12th, 14th, 15th एंड 18th ये इंडिया का टॉप है, और सबसे टॉप पर है इंडिया से 8th पर नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फर्स्ट पर है मिशेल ओबामा। तो आप देखिए, बराक ओबामा और मिशेल ओबामा दोनों अपने अपने कैटेगरी में टॉप पर हैं। ठीक है, सेकंड पर है एंजेलिना जोली, थर्ड पर है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, फोर्थ ओफरा, फिफ्थ जॉनसन स्कार्लेट जॉनसन, सेवंथ इज एमा वॉटसन, सेवंथ टेलर स्विफ्ट, एट्थ एंजेला मार्कल, नाइन्थ मलाला यूसुफजई, टेंथ प्रियंका चोपड़ा, थर्टीन ऐश्वर्या राय एंड 14th इज सुधा मूर्ति। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया है, मैंने आपको इंडिया से जो टॉप 20 में है उनके बारे में दिखा दिया है। यहाँ से आपको इंडिया में के टॉप 10 में कौन मिलेगा, 10 पर है प्रियंका चोपड़ा। ठीक, चलो ओके। तो ये लिस्ट मैंने आपको बता दी है कौन कौन है, एक बार इसको दिमाग में रखिएगा। आरबीआई हैज डिसाइडेड टू मेक द शेड्यूल पेमेंट बैंक एंड शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एजेंसी बैंक एलिजिबल टू कंडक्ट गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस। वॉट इज द मैक्सिमम बैलेंस लिमिट पर अकाउंट इन पेमेंट? तो देखिए, अगर आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कुछ पे बेसिकली बैंक, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, जैसे कि इंडसइंड बैंक हो गया, जिसको आरबीआई के द्वारा काम दिया गया था टैक्स कलेक्शन वगैरह का। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, अभी आरबीआई ने बोला है जो शेड्यूल पेमेंट बैंक हैं और जो शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको भी एज अ एजेंसी बैंक कई सारे काम दिए जाएंगे। और आपको याद है एजेंसी बैंक में काफ़ी लंबी लिस्ट आई थी, कर्नाटका बैंक और कई सारे बैंक थे। तो अभी आपको मुझे ये बताना है जो पेमेंट बैंक है उनकी लिमिट कितनी है, और वो है 2 लाख। अगर आपको याद है थोड़े टाइम पहले इस लिमिट को बढ़ाया गया था, पहले ये लिमिट 1 लाख हुआ करती थी, अब ये लिमिट 2 लाख कर दी गई है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिएगा। अच्छा, बैंकिंग वाला थोड़ा सा एक पॉइंट आप ये याद रख लीजिएगा कि ऑन May 10, 2021 आरबीआई रिवाइज द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक एट एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई। ठीक है, अगर हम आरबीआई के बारे में जानने की कोशिश करें तो देखिए आरबीआई के बारे में कुछ बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होगी। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1935 में और आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास और आरबीआई में 4 डेप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। एक और न्यूज आरबीआई से है जहां आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा पेनल्टी लगाई गई है 1.8 करोड़ की किस बैंक पर, इस बैंक ने
प्लेज ऑफ शेयर्स का जो बैंकिंग ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर प्रोविजंस है उसको तोड़ा है। ठीक है, एंड हियर करेक्ट आंसर इज यस। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी पर 1.8 करोड़, पीएनबी और एक्चुअली आईसीआईसी दोनों पर लगाई गई है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही पॉइंट होना चाहिए। बट देख लीजिए, आरबीआई इम्पोज रुपीज 1.8 करोड़ एंड 30 लाख पेनल्टी ऑन पीएनबी एंड आईसीआईसी बैंक। तो पीएनबी पर लगी है कितनी, 1.8 करोड़ की, और आईसीआईसीआई पर लगी है 30 लाख की। ठीक है, दोनों पे पेनल्टी लगी है बट दोनों का अमाउंट अलग है। इन पर पेनल्टी लगी है प्लेज ऑफ शेयर को लेकर, उसका जो भी प्रोविजन है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसको इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो पेनल्टी दो पर लगी है, एक लगी है पीएनबी पर 1.8 करोड़ और 30 लाख आईसीआईसीआई बैंक पर। मैं आपको फटाफट थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ पेनल्टी के रिगार्डिंग। देखिए, आरबीआई इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 2 लाख ऑन पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो 2 लाख का फाइन लगा था पुणे पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर। उसके बाद 1 करोड़ का बैन लगा था, कितना पेनल्टी लगी थी एसबीआई पर, 1.95 करोड़ का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर, 1 करोड़ का पेटीएम पेमेंट बैंक पर, 1 करोड़ का एसबीआई पर और लगा था, और 1 करोड़ का ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगा था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, जिनके भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, स्पेशली जिनके एसबीआई पीओ वगैरह का एग्जाम है, ठीक है, और जिनके बाकी एग्जाम्स हैं, आपके लिए जुलाई टू दिसंबर 15 का कैप्सूल आ गया है जीएजीके का। कैप्सूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एफबीआई पीओ कैप्सूल लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जुलाई से लेकर दिसंबर 15 तक के पूरे करंट अफेयर्स की, पूरे जीके और जीके की कैप्सूल मिल जाएगी। उसको एक बार आप अपने एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हेलो दारा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। चलो, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज बिकम फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू साइन यूएन सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट, यानी यूएनपीआरआई के साथ एग्रीमेंट करने वाला पहली कंपनी कौन सी है, पहली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, एब्सोल्युटली गौरव, एनटीपीसी में भी काम आएगा। मैंने जैसा कि आपको बोला, क्योंकि एसबीआई पीओ है, हमने उसके नाम से जरूर लॉन्च किया है, बट आप जुलाई से लेकर दिसंबर तक के जितने करंट अफेयर्स हैं वो सब उसमें कवर है, तो वो आपके हर एक एग्जाम के लिए है। ठीक है, एंड हेयर करेक्ट आंसर इज व्हाट गाइस, हेयर करेक्ट आंसर इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। ठीक, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस पहली इंडियन इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जिसने यूएन प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। देखिए, इसका पर्पस क्या है, इस एग्रीमेंट का पर्पस है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो कमिटमेंट है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस इशू की तरफ, वो है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी आईपीआरयू लाइफ इज इंटीग्रेटिंग ईएसजी फैक्टर इनटू इट्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वर्क। तो बेसिकली इनका काम ऐसा होगा जहां इन चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप विद होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड टू ऑफर होम लोन टू कस्टमर एट कॉम्पिटेटिव इंटरेस्ट रेट। यानी कि अभी हाल ही में इनमें से किस बैंक के द्वारा होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया गया है, पर्पस है होम लोन प्रोवाइड करना, एंड द बैंक इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने होम फर्स्ट फाइनेंस के साथ इसको लेकर एग्रीमेंट किया है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया। होम फर्स्ट विल रिटेन अ मिनिमम ऑफ 20% ऑफ द लोन एंड 80% विल बी रिटेन बाई यूबीआई। ओके,
Which of the following company has joined hands with BMW Motorrad to develop electric vehicle with BMW's Motorrad brand in India? तो BMW का जो Motorrad brand है ना, उसके साथ इनमें से किस कंपनी ने एग्रीमेंट किया है जहां क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप करेंगे। तो आपको पता ही है रिसेंट कुछ टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एंड हियर करेक्ट आंसर इज TVS मोटर। तो TVS मोटर के द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया है और आपको ये याद रखना है। तो TVS मोटर और BMW Motorrad के द्वारा ये एग्रीमेंट हुआ है, जो आपकी एग्जाम पर्पज से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है, अगले 24 मंथ्स यानी अगले 2 साल में इस पर अच्छे से काम किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ TVS की, तो TVS इस्टेब्लिश हुआ था 1978 में। TVS का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में देखने के लिए मिलेगा। TVS के जो फाउंडर थे, एक्चुअली उनके नाम पर ही TVS पड़ता है। TVS के जो फाउंडर थे ना, उनका नाम था TV सुंदरम अय्यर, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा था। अभी TVS के जो चेयरमैन है, उनका नाम है वेणु श्रीनिवासन, ठीक। Who among the following has been appointed as the DG of Software Technology Park of India? यानी STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के डीजी के तौर पर इनमें से किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? अरविंद कुमार, विनोद अग्रवाल, AS राजीव, उदय कोटक और अरुण चावला। एंड अरविंद कुमार इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली। अरविंद कुमार को डीजी ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बनाया गया है। STPI जो है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी MeitY के अंदर ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपने हिसाब से काम करती है। करेंटली STPI रजिस्टर्ड यूनिट हैव रीच IT, ITS और ESDM एक्सपोर्ट ऑफ ओवर 5 लाख करोड़। यानी STPI के अंदर जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है ना, अभी उनका एक्सपोर्ट जो है वो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है, और इसको और ज़्यादा आगे बढ़ावा देने के लिए STPI काफ़ी सारा काम कर रहा है। ओके, MD ऑफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, HMIL डेट इज हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में इनमें से किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें तो इनका नाम क्या है, उन्सु किम, ठीक है। उन्सु किम इज द करेक्ट आंसर फॉर MD ऑफ हुंडई मोटर इंडिया। 1 जनवरी से ये अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। ये सियोन सियोप किम को रिप्लेस करेंगे। हुंडई आपको पता ही है, ये साउथ कोरियन कंपनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कंफर्ड विद विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, नगडग पेलजी खोरला, यानी ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, इनमें से किसको इससे सम्मानित किया जा रहा है, मतलब किस देश का है, आपको मुझे ये बताना, ठीक है। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी को इनमें से किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, नाम मैंने आपको बता दिया है। एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट गाइस, हियर करेक्ट आंसर इज भूटान। तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगडग पेलडी खुरलो ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से नवाजा गया है, किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अभी भूटान का 114th नेशनल डे ऑब्जर्व किया गया, और उसी मौके पर ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट फॉरनर टू रिसीव द कोवेटेड अवार्ड, द ऑनर कम एज एन एप्रिसिएशन फॉर इंडिया से फ्रेंडली अप्रोच टू भूटान अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज गवर्नेंस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर भूटान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे रहे हैं, उसी को देखते हुए ये पहले फॉरनर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। किंग जिग्मी खेसर नमगयाल वोमचुंग कन्फर्ड द अवार्ड अपॉन प्राइम मिनिस्टर मोदी, द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई भूटान से प्राइम मिनिस्टर लोते तैसरिंग, ठीक है। तो ये यहाँ के किंग है, ये अवार्ड दिया और अनाउंस किया गया यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। बेस्ट फीमेल डेब्यू, अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड।
बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, तो आपको मुझे ये बताना है अभी हाल ही में बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में किसको गया है। तो यहाँ से आपको पैरालंपिक प्लेयर कौन दिख रही हैं, यहाँ आपको एक ही पैरालंपिक प्लेयर दिखेंगे जिनका नाम है अवनी लेखरा। अगर आपको याद हो तो ये शूटर हैं, इन्होंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है। तो अवनी लेखरा बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। मैंने आपको बता दिया कि ये इंडियन शूटर हैं जिन्होंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में इन टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। ये अवार्ड कौन देता है, ये अवार्ड देता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू पैरालंपिक मेडल इन अ सिंगल एडिशन ऑफ पैरालंपिक गेम। इंडिया वॉन एंड अनप्रेसिडेंटेड 19 मेडल एट द पैरालंपिक गेम्स इंक्लूडिंग 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो आपको याद होगा ये इकलौती प्लेयर बनी थी, इंडियन वुमेन प्लेयर थी जिनके 2 मेडल थे पैरालंपिक गेम्स में, ठीक है। तो अवनी लेखरा का नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है पैरालंपिक वाला इंडिया का एक बार मेडल टैली, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो अवनी, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ रुपीज 2400 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ BEL डेट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ 20 टाइप्स ऑफ सिस्टम फॉर 83 LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अभी 2400 करोड़ का एग्रीमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ इनमें से किसके द्वारा किया गया है, जहां पर्पस होगा 20 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ 83 LCA तेजस MK-1 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सप्लाई, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा जो BEL है ना, ये कहाँ की कंपनी है। एंड हेयर करेक्ट आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL ने ये एग्रीमेंट साइन किया है BEL के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने 2400 करोड़ का ये एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। द इस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन है 5 ईयर यानी 2023 से 2028। ये HAL का अब तक का बिगेस्ट ऑर्डर है किसी भी इंडियन कंपनी को, क्योंकि इसका पर्पस है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को प्रमोट करना। The order for supply of this system will be executed by 2 units of BEL at Bangalore, Karnataka and Panchkula, Haryana, ठीक है। अच्छा, BEL जो है ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और HAL जो है ये भी बैंगलोर बेस्ड ही है। HAL के काम कुछ ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से नॉट अप टू द मार्क है, हमेशा HAL का प्रोजेक्ट लेट ही रहता है, ठीक। आओ फिर अगला सवाल देखते हैं। अशोक लेलैंड हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर 600 HP इंडिजीनियस कॉम्बैट व्हीकल इंजन। यानी अशोक लेलैंड ने 600 HP इंडिजीनियस कॉम्बैट व्हीकल इंजन के लिए इनमें से किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। हेलो शिवम, गुड मॉर्निंग। तो अशोक लेलैंड ने अभी ये एग्रीमेंट किया है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी CVRDE के साथ ये एग्रीमेंट किया है। ओके चलो, तो अशोक लेलैंड और CVRDE जो कि DRDO का ही एक आर्म है, उसके द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि प्रीमियर लैब बनाना डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। ओके, 600 HP इंडिजीनियस इंजन की यहाँ बात हो रही है, याद रखिएगा। इस इंजन की डेवलपिंग टेस्टिंग ये सारी अशोक लेलैंड के सेंटर चेन्नई पर होगी। हु इज द ऑथर ऑफ तेलुगु बुक टाइटल्ड गांधी टॉपी गवर्नर रिलीज बाय वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा एक किताब जारी की गई है, तेलुगु पुस्तक गांधी टॉपी गवर्नर। इस पुस्तक के आपको मुझे लेखक का नाम बताना है। और इनका नाम है एब्सोल्युटली Y. लक्ष्मी प्रसाद।
वाई लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा ये किताब लिखी गई है और इस किताब को रिलीज किया गया है बाई वेंकैया नायडू। ठीक है, तो यारा लगड़ा लक्ष्मी प्रसाद ये पद्मश्री अवार्डी हैं एंड चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आंध्र प्रदेश, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसमें बात होगी किसकी, द बुक क्रॉनिकल द लाइफ ऑफ बैरिस्टर आई राघवेंद्र राव। आई आर राव वॉज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, लेजिस्लेटर एंड गवर्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविनेंस इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा एक और किताब आई है, अ बुक ऑन योगी आदित्यनाथ टाइटल्ड द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंड यूपी वाला भैया अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर हैज बीन ऑथर्ड बाई हु अमंग द फॉलोइंग। तो एक किताब आई है योगी आदित्यनाथ पर, किताब का नाम आपके सामने है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म यूपी, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर। चलो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है गाइस, यहाँ करेक्ट आंसर है शांतनु गुप्ता। तो भैया शांतनु गुप्ता के द्वारा ये किताब लिखी गई है, किताब आप समझ ही गए हैं, मोदी जी अरे योगी जी बड़े पसंद हैं इनको और उन पर इनकी किताबें आती रहती हैं। तो शांतनु गुप्ता के द्वारा योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन पर ये किताब लिखी गई है और इसमें इनके बारे में बताया गया है कैसे एक मॉन्क ने उत्तर प्रदेश का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ठीक है, अच्छा आपको सबको पता होगा योगी आदित्यनाथ जिनका जन्म आज के उत्तराखंड में हुआ है, आपको पता है एक टाइम पर यूपी और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, तो उनका जन्म आज के उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको शांतनु नारायण की थोड़ी सी और किताबें बताऊं तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर, ये दो इनकी किताबें हैं। तो आप समझ ही गए होंगे इनकी किताबें किस पर आती हैं, तो समझदार हैं आप लोग। देखिए जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं उनको पता है उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन कितना हुआ है, उत्तर प्रदेश में सिचुएशन कैसी है। तो ऑन विच डेट गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अच्छा शांतनु नारायण मैंने बोला क्या, ओके सॉरी सॉरी शांतनु गुप्ता है गाइस, अगर मैंने गलती से शांतनु नारायण बोल दिया हो क्योंकि वो एक नाम कुछ नाम होते हैं ना आपके दिमाग पर बैठे रहते हैं, तो यहाँ शांतनु गुप्ता हैं। ठीक है, शांतनु नारायण तो मैंने आपको एडोबे वाले बोल दिया होगा। तो चलिए गोवा लिबरेशन डे, गोवा लिबरेशन डे आप सबको पता है ये 19 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है 1961 में, जब गोवा लिबरेट हुआ था कहाँ से, पोर्चुगीज से अंडर ऑपरेशन विजय। गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली इन इंडिया ऑन दिसंबर 19, द ईयर 2021 मार्क द 60 ईयर ऑफ गोवा इंडिपेंडेंस। ठीक है, ऑपरेशन विजय के तहत इसको फ्री कराया गया था, किससे कराया गया था, पोर्चुगीज से, कब कराया गया था, 19 दिसंबर 1961। इंटरनेशनल डे टू एंड वॉयलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, हर साल सेक्स वर्कर्स के खिलाफ जो हिंसा का अंत है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 7, 10, 15, 17, 19। ठीक है, और इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, दो तीन क्वेश्चन और होंगे शिवम, 17 दिसंबर को, तो 17 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल डे टू एंड वॉयलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पस वही है कि जो भी सेक्स वर्कर्स हैं जिनको वॉयलेंस इन सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है उनके अगेंस्ट चीज़ों को अवेयर कराना। रेड अम्ब्रेला इज द सिंबल फॉर सेक्स वर्कर्स राइट अक्रॉस द ग्लोब, यानी जो लाल अम्ब्रेला है उसको सिंबल माना जाता है सेक्स वर्कर्स के राइट का। इन 2005 द इंटरनेशनल कमिटी ऑन द राइट ऑफ सेक्स वर्कर इन यूरोप एडॉप्टेड द रेड अम्ब्रेला एज इट्स सिंबल। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे या प्रवासी दिवस की। और इसको ऑब्जर्व किया जाता है 18 दिसंबर को।
18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। पर्पस वही है, जो माइग्रेंट्स हैं जो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, आपको पता है बहुत बड़ा नंबर है, और इंडिया से तो ये नंबर और भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उन्हीं के राइट्स के लिए, उसी के लिए अवेयर कराने के लिए इस दिन को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। What was the theme for International Migrants Day? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 का विषय क्या था? We together reimagining human mobility, social cohesion in 107 countries around the world, harnessing the potential of human mobility and migration with dignity. बिल्कुल शिवम, चलो, here correct answer is option number D, that is harnessing द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे माइनॉरिटी राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस या माइनॉरिटी राइट्स डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। और अगर हम बात करें माइनॉरिटी राइट्स डे की, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 18 दिसंबर। तो इंडिया ऑब्जर्व माइनॉरिटी राइट्स डे ऑन डिसम्बर 18 एवरी ईयर टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनली एश्योर्ड राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी इन द कंट्री आर सेफगार्ड। द माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन डिसम्बर 18, 2013। ऑन 18 दिसंबर 1992 द यूएन हैड डिक्लेयर्ड द स्टेटमेंट ऑन इंडिविजुअल राइट्स बिलोंगिंग टू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, नेशनल और इंथ्यूजेस्टिक। चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन, जो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। तो गाइज, ये हमारे आज के 24 न्यूज़ थे, जो हमारे लिए 19th और 20th दिसंबर दोनों के ही थे, ठीक है। शाम को 5 बजे हम मिलेंगे, और हमारी शाम को 5 बजे की क्लास का आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है लोन अग्रीमेंट एंड MOUs। तो इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ कर आइएगा, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल डेफिनेटली देखने के लिए मिलते हैं, स्पेशली लोन और MOUs से, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है, SBI PO कैप्सूल इसको लॉन्च कर दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें आपका जुलाई से लेकर 15th दिसंबर तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। अगर आपका SBI, IBPS, NTPC, जिस भी चीज़ के आपके एग्ज़ाम हैं, आप यहाँ से अपने करंट अफेयर्स का रिविज़न कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 5 बजे अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, और ठीक है, चलो, टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड जय हिंद।